आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल GS Lamp Education में। तो अभी GS Lamp Education में जैसे मैंने करंट से रिलेटेड मैंने कहा था, करंट अभी आपको एक एक चीज़ में यहाँ पे क्या ना आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि BPSC से रिलेटेड अभी क्या ना पेपर एक स्पेशल, उसी में करंट आपको क्या ना पूरा इंटरनेशनल नेशनल सभी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, इंक्लूडेड बिहार से रिलेटेड पूरा, क्योंकि अब बिहार का क्या ना BPSC अभी 69 और 70 के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्या एक तरीके से स्पेशल क्लास है जिसमें क्या ना आपको नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, एनवायरमेंटल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बिहार से न्यूज से रिलेटेड सब कुछ आपको क्या ना एक कॉम्बो करके यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या ना मैं एक एक चीज आपको एक एक मतलब टॉपिक पे मैं अच्छी तरीके से जोड़ दूंगा, जो वन लाइनर हो गया या क्या, और जो जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बहुत ऐसा चीज है जैसे क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने एक टॉपिक के फॉर्म में प्रिपेयर करके रखा है, जो एक एक करके वो मैं प्रेजेंट करूंगा। जैसे कि आप अभी आप देख रहे हो कि अपने टोटल अपने चैनल पे अभी टोटल एटलीस्ट 70 के आसपास लेक्चर आ चुके हैं, तो क्या ना क्योंकि देखो क्या ना जल्दी जल्दी मैं रोज रोज एक लेक्चर लेकर और पांच उसमें छह बता दूं तो वो क्या कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए क्या ना कि ये पूरा न्यूज लाने में मुझे क्या ना पूरे बहुत अच्छा लंबा खासा समय लगता है, जिसकी वजह से क्या ना न्यूज को कलेक्ट करना, ऐसे भी तो कहीं से नहीं आपको पेस्ट करके डाल सकते ना, न्यूज को कलेक्ट करना होता है, फिर न्यूज के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसे बता दो हाँ ठीक है ये चीज है बस खत्म, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको मैं कोई न्यूज कोई अगर मान लो जब मैं पॉलिटी भी पढ़ाता तो अगर आपने पॉलिटी का एक कंटेंट देखा होगा उठा के, मैं बेसिक से लेकर पूरा एडवांस का एक एक चीज मैंने PPT में प्रिपेयर करके रखा हुआ, दूसरी चीज जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कुछ ऐसी चीजें जो PPT में होता भी नहीं है उसको फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वो मेरे माइंड में या मेरे नोटबुक में पहले से इंक्लूडेड रहता है। तीसरी चीज जब मैं टेस्ट सीरीज लेके आता हूँ, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया टेस्ट सीरीज, जो मैं अभी एक टेस्ट सीरीज अपलोड किया हूँ जिसमें कम से कम 100 क्वेश्चन है टोटल, सॉरी दो टेस्ट सीरीज है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अब क्या है ना अब मैं इसी को मतलब जो वहाँ पे करंट अफेयर का वो मैं पूरे एक तरीके से कहना है BPSC के फॉर्म में पूरा लेकर उसमें, लेकिन आपको क्या ना कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, तो ये क्या ना अपना भी करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेटेड है, इसका एक स्पेशल क्लास चलेगा अभी कंटिन्यूसली जब तक BPSC का पेपर नहीं हो जाता उसमें आपको, लेकिन न्यूज में कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्या ना आगे की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक देखो, टॉपिक में हम लोग क्या ना एक ही अभी जो भी टॉपिक पढ़ेंगे मोस्टली क्या होगा बिहार से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। बिहार से रिलेटेड का मतलब क्या ना बिहार में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो पहला क्या है ना ऊर्जा सभागार है, ठीक है। ऊर्जा सभागार का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपको ये समझिए आपको पेपर में दे देगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी न्यूज में बिहार में भी चल रहा है। इसका मेन एम क्या था ना कि स्मार्ट मीटर, देखो स्मार्ट मीटर क्या करना हर एक ईच एंड एवरी हाउस होल्ड में 2025 तक इसको क्या करना है कि स्मार्ट मीटर का क्या ना ये लोग पूरी तरीके से 2025 तक ये लोगों ने सोच लिया कि हर एक ईच एंड एवरी घर में क्या करेंगे ये लोग स्मार्ट मीटर। देखो आपको पता होगा स्मार्ट मीटर का क्या मतलब होगा, यहाँ पे क्या है ना स्मार्ट मीटर का ये मतलब होगा कि जैसे कि आप लोग सिम वगैरह यूज करते हो, ठीक है। इसका ये मतलब क्या है ना सिम अगर जितना आप वहाँ पर रिचार्ज करते हो, सीधे आप रिचार्ज करते हो उतना देर तक आपका चलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर रिचार्ज, मतलब आपका जैसे पैसा खत्म हुआ वहाँ पे तो वो क्या होगा आप एक तरीके से आपको क्या ना एक तरीके तो वही हो गया जैसे पैसा खत्म मतलब आपका क्या होगा लाइन कट जाएगा। अब इसको क्या ना टेंशन नहीं है कि आप जाओ वहाँ पे बिजली बिल विभाग में बिल जमा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने आपके पास एक वो दिया होगा मतलब आपके पास एक ऐप है, आप उस ऐप में आपका चेक करो कि हाँ पैसा खत्म हो गया, आप डायरेक्ट अपना या तो अपने मोबाइल से ऑनलाइन या आप जहाँ पे भी एज कम्पेयर टू साइबर के मोस्ट ऑफ द पर्सन दे जस्ट गो टू द साइबर कैफे और वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग रिचार्ज करो। तो ये आपको पता ऊर्जा सभागार क्या होता है, ये स्मार्ट मीटर से रिलेटेड एक इनॉग्रेशन है जो कि मतलब एक तरीके से क्या है ये लोग तो आपसे अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए तो आपको ये चीज़ क्या है ना पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऊर्जा सभागार किसका स्कीम है और कौन से स्टेट का। ये देखो मोस्ट ऑफ द बिहार में ये पूछा जा रहा है, इसका मेन मकसद क्या है ये आपसे इंपॉर्टेंट है। इसमें यही बोला कि इनॉग्रेट किया जाए जो ग्रिड कनेक्शन होता है जैसे फ्लोटिंग पावर प्लांट्स वगैरह वो बिल्ड किया जाएगा, बोला 12 करोड़ रुपया खर्चे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने यहाँ पर आपको क्या ना क्लियर कर। तो आपसे अगर कोई पूछे ऊर्जा सभागार क्या होता है तो ये बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है ना ये बोला गया कि जो एक कृति राज सिंह से रिलेटेड इन्होंने क्या है ना 6 गोल्ड मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। कहाँ पे पूछ लिया क्या सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 में जो हुआ था, ये इसीलिए बोल दिया कृति राज सिंह की क्योंकि 6 इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये कहाँ के पटना के, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर पूछ ले कि 6 गोल्ड मेडल जीतने वाले पटना का जो सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जो था वो कौन है, तो ये आपको कृति राज सिंह है, ठीक है। अब हम लोग कृति राज सिंह, अब हम लोग थर्ड पे चलते क्या सेवन जो पूछा जाएगा 17th इंटरनेशनल टिपिका चैंटिंग सेरेमनी कहाँ पे हुआ था, तो ये आपको मेन इंपॉर्टेंट इज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही पूछा जा सकता है, ये फिक्स है, ये देख लेना। तो ये बोला गया ये कहाँ पे महाबोध गया टेम्पल में हुआ था, गया में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये बोध गया टेम्पल पे, ठीक है ना, महाबोधि टेम्पल।
ये कब से कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था, ये आपको बस याद रखना। इसका ऑर्गेनाइजिंग कंट्री कौन सी है? वियतनाम है। चीफ गेस्ट कौन थे हमारे उस समय में? जो चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मल जो प्रेसिडेंट थे, रामनाथ कोविंद जी वहाँ पे थे। ठीक है, मेन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था और कौन इसका ऑर्गेनाइजिंग कंट्री था। 17 इंटरनेशनल टीपीटाका चैंटिंग सेरेमनी। अब देखो आपसे पूछा जाएगा तो अब नेक्स्ट आप यहाँ पे है कि डॉक्टर आपका द्वार। ठीक है, ये देखो ये सब स्कीम है या ये सब इनिशिएटिव है जो क्या ना हमारे गवर्नमेंट के थ्रू ये लिया गया। गवर्नमेंट के थ्रू ये एक तरीके से क्या ना, एक तरीके से ये मोबाइल हेल्थ ऐप लिया गया क्लिनिक में, जो डॉक्टर आपका द्वार। ठीक है, ये लॉन्च कौन, आपसे पूछ लेगा ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? यूनियन मिनिस्टर जो है वो आर के सिंह है। यहाँ पे ये लॉन्च कहाँ पे हुआ था? ये अररिया। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये, मतलब जो डॉक्टर आपका द्वार जो ये इनिशिएटिव या ये मोबाइल ऐप लॉन्च ये कहाँ पे किया गया था? तो ये आपको याद होना चाहिए, सदर हॉस्पिटल में था ये, अररिया इन द भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। देखो मेन मेन इसमें मोटिव क्या है, मोस्ट ऑफ द आपको पता है गाँव में क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, टाइम पे नहीं पहुँच पाता। क्योंकि देखो अगर कोई दो डॉक्टर है, एक डॉक्टर को अगर आप एक सॉरी एक डॉक्टर उसको आप एक प्रेफरेंस दे दो, क्या प्रेफरेंस दे दो कि आपको क्या है ना एक प्राइवेट में, सॉरी प्राइवेट के लिए आपको शहर में रहना और वो एक गांव में रहना, तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर क्या होता है गांव में जाना प्रेफर नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है देखते हो गाँव के लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया, आप एक ऐप लॉन्च कर दिया। क्या अगर मान लो उस समय आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हो, कॉल के थ्रू या आप डायरेक्ट बात कर सकते हो डॉक्टर से कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, एक फर्स्ट एड कहते हैं ना वो चीज़ आपको क्या वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताया कि डॉक्टर आपका द्वार क्या नहीं, एक तरीके से इनिशिएटिव है जो यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह के थ्रू कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, सरदार हॉस्पिटल अररिया इन भोजपुर में। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, बोगस वोटिंग। अब देखो बोगस वोटिंग आपको पता क्या होता है, उसी के रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाया गया जो कि क्या कर सके, बोगस वोटिंग को क्या कर सके, ये लोग बंद कर सके। अब ये कौन डन किया गया था, ये मतलब कहाँ पे, मतलब पहली बार ये ट्रायल के लिए दिया गया था, हालिमपुर जो पंचायत है इलेक्शन है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कोई भी चीज़ नया इनिशिएटिव कहीं पे डाला जाता है तो वो क्वेश्चन, जैसे आपको पता है पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी या क्या एज वेल एज स्टेट पीएससी में, बहुत ऐसे स्टेट पीएससी में पूछा भी गया है। तो अगर आपको नहीं पता हो तो जब मैं पंचायती राज पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से क्या करूंगा, ये आपको कंसेप्ट के साथ वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये हो गया बोगस वोटिंग, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ये ट्रायल के लिए दिया गया था, ट्रायल के लिए दिया गया था हलीमपुर पंचायत इलेक्शन के लिए। ठीक है, जो मुजफ्फरपुर में, तो ये क्या हो गया बोगस वोटिंग। नेक्स्ट होता है वेल्थ डिजीज। देखो ये एक तरीके से ऐसा डिजीज है जैसे मान लो कि क्या है पल्स क्रॉप हो, जैसे क्रॉप वगैरह हो गया उस चीज से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि एक तरीके से जो पानी वगैरह वो एक्सेस अमाउंट में क्या होता है लीव वगैरह में जो कहता है, सीधी सी बात क्या होता है ना वो एक तरीके से खत्म कर देता है, फंगस लग गया या बैक्टीरिया लग गया या कोई भी, मतलब एक तरीके, बस आपको ये याद रखना विल्ट डिजीज जो होता है ना वो किस में लग जाता है, तो पल्सेस वगैरह हो गया जो कि एक तरीके से, जो मतलब एक तरीके से आपको बस इतना याद रखना है कि उससे प्रॉब्लम क्या होता है, जो वाइल्ड डिजीज क्या कहता है डिस्टर्ब कर देता है किसको, जैसे मतलब वाटर जो जाइलम्स वगैरह में वाटर होता है जिसकी वजह से क्या होता है एक तरीके से लीव टू द विल्ट, मतलब एक तरीके से बेंड हो जाए जो स्टार्ट टू डे, मतलब एक तरीके से वहाँ पे क्या होता है खत्म के कगार पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो विल्ड डिजीज का यही मतलब होता है। तो ये बस आपसे पूछा जा सकता है कौन से क्रॉप में ये विल्ड डिजीज या क्या है ये, कौन से डिजीज या जैसे कोरोना की तरह हो गया या कुछ ऐसा, आपसे ये पूछ लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपके माइंड में आज के तहत में इस पे भी आप इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लगा लो, जब आप अपने बीपीएससी का पेपर का बात है तो देखना ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कि G20 अभी के दौर में दिसंबर से क्या ना बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से न्यूज़ में है, तो G20 आपसे पूछा जाएगा कि जो बिहार में कहाँ पे हेल्ड किया गया था ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्या ना याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि G20 जो बिहार में ना वो कहाँ पे एक तरीके से, मतलब एक ये बोला जाएगा कि कहाँ पे एक तरीके से क्या है ना हेल्ड किया गया था। तो पता है आपको पटना में हेल्ड किया गया था, कब? मार्च 6 और 7 को, ये चीज़ ये 2023 में हेल्ड किया गया। तो इसके में क्या मतलब क्या क्या इनिशिएटिव, इसमें क्या वो चीज़ था, मतलब होता है ना कि कोई G20 बिहार में क्यों किया गया, तो इसका मेन मकसद क्या था, विजिट करने के लिए कहाँ पे म्यूजियम हो गया या जैसे टूर हो गया राजगीर वगैरह हो गया, नालंदा हो गया, बोध गया हो गया, उस चीज़ से रिलेटेड ये था। तो ये क्या ना आज के समय G20 बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको क्या ना याद होना चाहिए कि G20 बिहार में कहाँ पे हेल्ड किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए पटना डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था। ठीक है, देखो नॉर्थ वुड एक्सपो जो होता है ये कहाँ पे था, नॉर्दर्न वुड जो एक्सपो होता है, एक तरीके से ये याद रखो, एक तरीके से क्या होता है ये एक तरीके से हम लोग कहते हैं एग्जीबिशन टाइप का होता है, तो ये पता है कहाँ पे, गांधी मैदान में होता है पटना में।
इसमें क्या हो गया था जो नॉर्दर्न वुड एक्सपो, इसमें मेन में क्या था जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, वो सब क्या कहते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए गए थे यहाँ पे, कि आपको क्या ना यहाँ पे आके आप अलग अलग देखते हो ना, एक्सपो का क्या मतलब होता है कि अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आते हैं और अपना क्या होता है प्रोडक्ट हो गया या कोई भी चीज़ को क्या कहते हैं वहाँ पे प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बताने, तो ये पूछा तो ऐसे नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको क्या ना मेन जो इंपॉर्टेंट है G20 से रिलेटेड, देखो न्यूज़ तो बहुत है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, नॉर्दर्न वुड एक्सपो जो जो हुआ था एक्सपो जो हो वो कहाँ पे हुआ था ये आपको पता है, गांधी मैदान में हुआ था, ठीक है। अब देखो एक ये एक तरीके से शिल्पी सिंह करके हैं, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है ना, ये इनको दिया गया जिस मतलब सिलेक्ट किया गया वुमेन्स लीडर के लिए 2023 और 2022 और 23 के लिए बाय द वाइटल वॉइस रिलायंस रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू। ये एक तरीके से इसलिए कि जो वाइटल वॉइस एक तरीके से क्या है ना, एक तरीके से जो वाइटल वॉइस आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या है, तो वाइटल वॉइस एक तरीके से जो फाउंड किया था 1988 में किसके थ्रू, जो यूएस की फर्स्ट लेडी थी जो हेले क्लिंटन थी ना उनके थ्रू ये इसको क्या किया गया था, ये मतलब एक तरीके से वाइटल वॉइस के लिए, मतलब एक सीधा सा बात है कि ये कोई अपने आवाज के लिए या किसी की आवाज के लिए क्या करना कोई खड़ा होना था। यहाँ पे एक चीज बोला गया जो शिल्पी सिंह है उनको एक तरीके से सेलेक्ट किया गया एज ए वुमेन लीडर फॉर द वाइटल फॉर 2022 to 2023 वाइटल वॉइस के लिए, ठीक है, जो यूएसए का एक तरीके से बोला जाता है। और एक तरीके से यहाँ पे ये है कि ये किसी जैसे मतलब वुमेन्स है तो वुमेन्स के खिलाफ कुछ अगर अत्याचार हो रहा है उस चीज़ से रिलेटेड ये क्या कर रहा है अपना आवाज उठा रही है, तो मेन आपसे पूछा जा सकता है कि वाइटल वॉइस क्या है और वाइटल वॉइस के लिए इस बार जो वाइटल वॉइस के थ्रू और रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू किनको सेलेक्ट किया गया था एज ए वुमेन लीडर, तो आपको याद होना चाहिए शिल्पी सिंह करके, याद रख लेना शिल्पा शेट्टी एक तरीके से, और क्या शेट्टी हटा के सिंह लगा देना बस। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या नेक्स्ट यहाँ पे बोला सप्लीमेंट्री बजट, तो सप्लीमेंट्री बजट है तो फाइनेंस मिनिस्टर जो कौन है विजय कुमार सिंह, विजय कुमार चौधरी जो जिन्होंने सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पे क्या क्या पेश किया गया था। तो देखो सप्लीमेंट्री बजट का क्या मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से आपको पता हो जैसे मान लो आप पेपर देने जाते हो, ठीक है, आपने एक पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया तो फिर आप कहते हो ना कि मुझे सप्ली चाहिए, समझना एक चीज को, तो यहाँ पे भी यही चीज बोला जा रहा है कि जो सप्लीमेंट्री बजट जो पास किया गया, तो सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट जो पास किया गया था उसमें बोला गया कि कितने के लिए 20,000 करोड़ के आसपास का जो विंटर सीजन में पास किया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है सेकेंड मतलब बिहार में पहली बार सप्लीमेंट्री बजट पास किया गया या दूसरी बार, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हुआ एमसीक्यू टाइप में अगर डाल दे तो आपको, आप तो देख रहे हो बिहार में भी क्या है निगेटिव मार्किंग होने लगा, तो आपका माइंड में क्लियरिटी रहेगा व्हाट डू मीन बाय सप्लीमेंट्री बजट क्या होता नहीं होता, तो आपको क्या वहां पे कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। देखो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब का सीधा सा मतलब एक तरीके से क्या है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है ना कि होता क्या है ये एक तरीके से। तो ये एक तरीके से आप देखो जब कहा जा रहा है कि अभी ये पैसा उस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेट अ मिनट, हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब क्या होता है, ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ये आपको पता हो। ये देखो इसको कंस्ट्रक्ट कहाँ से किया गया, मतलब पटना स्मार्ट सिटी के थ्रू, मतलब जो लोकेशन बाखेड़ी बाजार जो कि पटना के रिलेटेड वहाँ पे, ये देखो ये कंस्ट्रक्शन एक तरीके से क्या है ना किसके थ्रू किया जा सकता है। जैसे अभी क्या है ना मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन था जो अपना भी नया पार्लियामेंट बनाया गया ना तो वो किसके थ्रू बनाया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। मैं इसलिए बोला ना कि ये सब क्वेश्चन अभी क्या है ना यूपीएससी क्या बीपीएससी एक तरीके से हो गया झारखंड पीएससी सभी के सभी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपसे पूछा जा सकता है जो मतलब जो मल्टी मॉडल ट्रेवल है किसके थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो गोविंदा कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो कि बोला गया 2023 मतलब एक तरीके से जून में कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से सीधी से आप समझो कि मतलब एक तरीके से एक स्मार्ट सिटी बनाने का एक तरीके से क्या है पूरी तरीके से अब एक मतलब कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया गया यहाँ पर। नेक्स्ट है अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कजरा जो सोलर पावर प्लांट है अभी लगाया गया है, ये आपको लखीसराय में ये लगाया गया, ये आपको याद रखना है जो वर्क ऑन द कजरा पावर कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, ये एक तरीके से लखीसराय में ये, क्योंकि देखो सोलर पावर प्लांट आज के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2030 तक का न्यूज मैं बता रहा हूँ आपको, किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा गारंटी है। तो कजरा सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ पे लगाया गया, तो आपको याद होगा बिहार में कहाँ पे है लखीसराय में, और इसमें क्या जनरेट कितने जनवाट का जनरेट होगा 250 मेगावाट का ये जनरेट होगा। अब मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके थ्रू कौन कौन यहाँ पे MOU साइन किया गया, तो बताऊंगे बिहार का जो बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी तो है ही है, गुजरात एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन भी है जो क्या करते हैं पूरा डिटेल को एक तरीके से उस प्रोजेक्ट को पूरा एक तरीके से रिपोर्ट को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर इस बार 69th में ये नहीं आया तो कंप्लीट जब होगा ना उसके जस्ट बाद ये पक्का आएगा,
ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ही ना पूछ दे, बस ये भी पूछ सकता है कि कजरा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है। गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन इसी में से टर्निंग पॉइंट कुछ ना कुछ जरूर पूछ लिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, लखीसराय में, ठीक है। होचट्रीजी का कुछ भी मतलब नहीं होता, ये सीधा याद रखना कि जो होचट्रीजी मतलब क्या होता है, केमिकल से जो दारू वगैरह बनाया जाता है उसके रिलेटेड ये बात किया जाता है। तो होचट्रीजी अभी क्या ना बिहार में बहुत ज़्यादा क्या ना लोग वगैरह क्या ना केमिकल से बना हुआ फर्टिलाइजर जो दारू वगैरह, तो वो पीने की वजह से बहुत ऐसे लोगों की क्या हुआ मौत हो चुका था। इसके रिलेटेड ये आपको याद ना पेपर में आज के दौर में बहुत ज़्यादा ये मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो आपके पास माइंड में ये होता है वोच ट्रेजेडी क्या होता है और ये बिहार में हो रहा है, तो बिहार में गवर्नमेंट कब तक इसके लिए अवेयरनेस उठाने की बात कर रही है, ठीक है। तो 2025 तक बोला गया कि इसका पूरा एक तरीके से दिमाग देखा जाएगा क्या कैसे, ठीक है। नेक्स्ट चल रहे कि आपसे पूछा जाए राजविंदर सिंह भट्टी, ठीक है। राजविंदर सिंह भट्टी आपको क्या नया DGP अपॉइंट किया गया बिहार के, आपको ये पता होना चाहिए। ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट आप रख लो, क्योंकि बिहार में वन डे टाइप के ये प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हु इज द न्यू DGP ऑफ बिहार, तो राजविंदर सिंह भट्टी, मतलब एक तरीके से ये याद रखना, ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये 1990 बैच के IPS ऑफिसर है इंडियन पुलिस सर्विस के, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो एक तरीके से ये कजरा टाइप का ये है, और एक ये राजविंदर सिंह भट्टी हु बिकम द अपॉइंटेड एज ए न्यू DGP ऑफ। अब आपके जो भैतरौन सिंह राठौर, एक तरीके से ये क्या है भैतरौन सिंह राठौर ये पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या है ये कारगिल समय 1971 के समय क्या हो गया था, ये युद्ध में थे, इसीलिए ये चीज क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ये इन्होंने क्या किया, ये एक तरीके से हीरो थे भैरवन सिंह राठौर, ये एक तरीके से हीरो थे लॉन्गवे वाला बैटल के लिए जो 1991 में हुआ था। तो ये ज्यादा आप इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पूछें क्योंकि ये 1971 के समय में ये एक तरीके से हीरो के तौर पर ये क्या है यहाँ पे उभर के आए हुए थे। देखो दलाई लामा एक तरीके से क्या ना बोध गया, दलाई लामा विजिट किए थे, अभी आपको बताया मैंने क्या महाबोधि महाविद्यालय टेंपल से रिलेटेड जो दिसंबर 2022 में जो विजिट हुआ था उसमें मैंने बताया थाईलैंड जो बुद्धिस्ट एक तरीके से, अभी ये याद रख लेना महाबोधि टेम्पल का ना एक तरीके से क्या ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बिहार में क्या ये महाबोधि महावीर टेम्पल का एक तरीके से यूनेस्को साइट में आता है या नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं क्या, साहित्य एकेडमिक अवार्ड इन मैथिली, आपको ये इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये अपने बिहार का और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, देख लेना, पूछा जा सकता है साहित्य एकेडमी अवार्ड इन मैथिली, ठीक है ना। तो देखो अजीत आजाद ने एक तरीके से इन्होंने एक बुक लिखा था, कि बोला जा रहा है कि जो एक तरीके से क्या है ना जो एक तरीके से यहाँ पे जो अजीत, पहले एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो अजीत आजाद उन्होंने उनका बुक है पेन ड्राइव में पृथ्वी, ठीक है ना, पोइट्री एक तरीके से पोइट्री कलेक्शन है। तो ये जो जो आजाद आजाद हेली जो बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं, यानी इनको हिंदी में इन्होंने कन्वर्ट किया, ठीक है। इसीलिए जो वीना ठाकुर उन्होंने क्या कर दिया, इसको एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया मैथिली में, ठीक है ना। तो ये जो इसीलिए इसको मैथिली साहित्य अकेडमी की तरफ इसको मिला, वीना ठाकुर को यहाँ पे मिला गया, मेड द कन्वर्जन ऑफ द मैथिली, ठीक है। इसलिए पूछा जा सकता है साहित्य अकेडमी इन मैथिली, तो आपको याद होगा वीना ठाकुर, ये आपको क्या ना, इसलिए मैं बोला कि आपको क्या ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा। और अब नेक्स्ट देखो ये अपना एक और इम्पोर्टेंट एक तरीके से ये क्या योजना है, ये योजना आपको याद रख लेना। ये इसलिए मैं बोला, तो मैंने देखो बहुत सिलेक्ट, मैंने क्या बोला था कि मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा, 15 मिनट का ही लेक्चर रहेगा नॉट अ बिग डील, 20 मिनट का ही लेक्चर रहेगा नॉट अ बिग डील, मतलब इम्पोर्टेंट ये था कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है, और मैंने बहुत सेलेक्ट करके, ये नहीं कि मैंने पूरा ढेर ढकिया उठाया और पटक दिया हाँ ठीक है पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पढ़ के देखना। इसमें से अगर मैं जितना बताऊंगा अभी मैं 20% गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट अपन चलते गंगा जल आपूर्ति योजना, ठीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना को भी आप टिक मार के रख लेना। इसमें देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारे जो ऑनरेबल CM साहब है नीतीश कुमार, इन्होंने इनॉग्रेट किया था इस योजना कहाँ पे, तो राजगीर में। ये मैं बताऊँ ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपको पूछा जाएगा ये कहाँ पे, राजगीर में। डेट आपसे इंपॉर्टेंट नहीं कब पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा जो गंगा जल आपूर्ति योजना जो बिहार में इनोग्रेट किया है तो कहाँ से किया गया, तो याद होना चाहिए राजगीर में, पहली चीज। दूसरा ये किसके तहत आ रहा है, अंडर द जल जीवन हरियाली मिशन। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा तो मैं एक टॉपिक दिया था वाटर से रिलेटेड, मैंने उसमें हर एक चीज़ एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मैंने डिस्कस किया था। मैं हो सकता है उसका मैं चैनल डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन, आप देख लेना। उसमें मैंने हर एक चीज़ बताया कि जल जीवन मिशन हो गया, या बहुत ऐसा गवर्नमेंट का जल जीवन मिशन क्या है, हर एक स्टेट का पर्सनल जल जीवन मिशन क्या, मैंने सब कुछ वहाँ पे क्या ना फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने आपको क्लियर करवाया था, ठीक है। तो वो मैं वो टॉपिक यहाँ पे डाल दूंगा, और आप प्लीज उसको भी देखना। आपको क्या ना
कहीं ना कहीं से, या तो यूपीएससी में हो गया, सेंटर से रिलेटेड कोई भी पेपर होगा, उसमें वो क्वेश्चन आता ही आता है वाटर से रिलेटेड, क्योंकि आज के समय वाटर की क्या स्कार्सिटी हो रही है आप भी जानते हो, और हम लोग तो बेहतर बहुत बेहतर तरीके से जानते ही जानते, ठीक है। तो किसके अंदर है ये? जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ये डेडिकेटेड किसको किया गया? टू द राजगीर, गया एंड बोध गया, ठीक है, बुद्धिस्ट जो सर्किट होता है उसके लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा दिया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पढ़ लो कितना, 44,475 करोड़ रुपीज से, ठीक है। उसके बाद क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कंजर्व करेगा क्या, हवाई वाटर फ्लड वगैरह हो गया या पानी वेस्टेज वगैरह तो उससे रिलेटेड हो गया, या ये ट्रांसफर करेगा जो सेफ वाटर रिसोर्सेज जो था वो ड्रिंकिंग वाटर में, ये क्या करेगा इसका, ये तो रिसोर्सेज ये आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन क्या है जो फ्लड वाटर जैसे मतलब आपको पता है क्या ना, एक तरीके से क्या ना हथदा वगैरह जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, मतलब बोला जा रहा है कि कितने 151 किलोमीटर पाइपलाइन टू नॉमरस 3 रिजर्वायर, राजगीर हो गया, तेथर हो गया और गया, इस यहाँ पे ये बोला गया। ये एग्जीक्यूट किसके थ्रू प्रोग्राम किया जा रहा है? मेघा, आपको ये याद रख लेना, ठीक है। मैंने ये तीन चीज बोला और ये एक इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे एग्जीक्यूटेड बाय द मेघा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बिहार का ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है, और इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस पर आप 2 बार टिक मार लो, 3 बार टिक मार लो या 4 स्टार मार लो, मैं ये बोला ये बहुत ज्यादा गंगा जल आपूर्ति योजना कहाँ पे ये किया गया, कहाँ पे बोध गया में, सॉरी गया, राजगीर एंड बोध गया, ठीक है। ये तीन चीजें, ये तीन, और ये खंजर किस चीज से रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए। तीन जो मतलब है एक तरीके से बोला गया पंप, जो वाटर पंप वगैरह जो कि लिफ्ट किया जाएगा, कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, 150 किलोमीटर पाइपलाइन, इनोमरस 3 रिजर्वायर, राजगीर, तेथार एंड गया, ये चीज आपको याद रखना। कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अब बिहार का ये पहला है इसीलिए। नेक्स्ट चलते हम लोग क्या ना मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग जिसको बोलते थे, ये नेशनल अवार्ड में मिथिला पेंटिंग में यह याद रखना विभा लाल को दिया गया, अवार्डेड एट गिवन फॉर हर वर्क कृष्ण, जो कृष्णा लीला है वो बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे, तो कौन है? विभा लाल करके, ये एक तरीके से स्टेट का भी अवार्ड जीत चुकी थी बिहार आर्ट के लिए भी, ये मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड ये जीत चुकी थी, ये बहुत ऐसा मतलब एक तरीके से क्या ना, तो अभी इनको क्या नेशनल अवार्ड से रिलेटेड सम्मानित किया गया, तो विभा लाल ये याद रख लेना, ये भी पेपर में आता है। ये यही चीज है, अभी मैंने बताया लीकर से रिलेटेड बिहार में बैन किया गया, उस चीज से रिलेटेड है, तो यही बोला गया 1,00,000 रुपये जो लीकर बैन इफेक्टेड फैमिली उस चीज उसको दिया जाएगा, ठीक है। ये बोला गया जो बजट है वो बिहार का मतलब 5वां स्टेट है, इससे पहले भी बहुत जैसे गुजरात हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, लक्षद्वीप, इन्होंने भी लीकर को बैन किया गया, तो उस समय में ये चीज दिया गया था, तो ये क्या है नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे के रिलेटेड 5वां उस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे यही चीज बोलने की कोशिश किया, लेकिन यार ड्रिंक्स वगैरह क्या है मतलब समझ नहीं आ रहा, इंसान ऐसे पी पी के किसी दिन खत्म ही हो जाना है, लेकिन पियो जो पीता है उसको तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन नहीं पीना है ये एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी आदत है मेरे अनुसार से, ठीक है। आगे तो यार सबके अपनी पर्सनल चॉइस, उसमें कोई किसी को कोई वो नहीं दे सकता, सजेशन नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये क्या है आपसे पूछा जा सकता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां है, इसमें क्या क्या वो है, तो आप जब मैं अपना एक टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड जब डिक्लेयर करूँगा तो मैं एक एक चीज़ वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो ये आपको क्या है आपको पूछ लिया जाएगा बिहार कौन सा स्टेट है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आपको उतना तो नहीं है लेकिन आपको याद रखना, ठीक है। जो मैथिली ठाकुर है ये एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं किसके, बिहार खादी एंड हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम से रिलेटेड है, तो आपसे पूछ लिया जाए हु बिकम द एम्बेसडर ऑफ द बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट एंड द हैंडलूम्स, ठीक है। और 5G का सर्विस अभी पटना में लॉन्च किया गया, या आपको एयरटेल के थ्रू एयरटेल ने लॉन्च किया क्या 5G का नेटवर्किंग कहाँ पे पटना में, ठीक है, पटना के 12 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने और धीरे धीरे क्या कर रही है एक्सपेंड करने का कोशिश, तो बोला जा रहा है पटना जो एयरपोर्ट है वो पहला ऐसा एयरपोर्ट है बिहार में जो क्या कर एंजॉय करेगा अल्ट्रा फास्ट 5G लिमिटेड। अब तो लगभग सब जगह आ चुका है, लेकिन आपको पूछा जाए एयरटेल के थ्रू पहला कौन सा था तो आपको बताना चाहिए पटना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये मतलब अच्छा चाहूँगा कि आप इसको मतलब इस तरीके से अच्छे तरीके से समझिए, अगर कुछ में भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप क्या करें हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ये चीज़ है, और मैं चाहूँगा कि आपको क्या ना और अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर के आपका क्या मतलब एक तरीके से सपोर्ट बहुत जरूरी है। और मैं ये बता रहा हूँ कि जितना मैंने अभी अगर आप यहाँ तक आए तो आपको ये पता चल गया कि बिहार से रिलेटेड जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है वो तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही कर रहा हूँ। आगे आने वाले मैंने एक तरीके से छोटा छोटा सीरीज रखा, जैसे आपने करंट अफेयर जो मैंने बताया तो वो भी आपने देखा, बहुत छोटा छोटा सीरीज है वो आप देखो तो आपको पता चलेगा क्या ना बहुत इफेक्टिवली उसको मैंने एक तरीके से प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसको बना के रखा, और ऐसा ही ये भी आप एक बार देखना जाके कम 20 क्वेश्चन हर एक मीन्स कह सकते हो कि हर एक लेक्चर में 20 से 25 न्यूज़ होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दे, आप देख लेना एक एक चीज़ सर्च करके, और जब पेपर आएगा तो भी हम लोग उस समय डिस्कस करेंगे ही करेंगे क्या था नहीं था, ठीक है।
इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ तक आए हो, अगर आपको लगे कि आपके लिए एक बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ अपने चैनल जीएस लैंप एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। प्रमोट मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाओ जो मतलब कैपेबल नहीं है पैसे दे के पढ़ने के लिए, तो उसको आप दो। ये फ्री तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप क्वालिटी पढ़ के देख रहे होगे, आपको टेस्ट सीरीज जब मैंने डाला वो आप देख रहे हो, तो आपको इफेक्टिवली वहाँ पर दिख रहा हो कि हाँ यार कुछ तो है इसमें बात। तो इसलिए अभी क्या ना, ये करंट अफेयर्स रिलेटेड बीपीएससी हो गया, यूपीएससी का भी आने वाले समय इसी में एड ऑन अभी चलेगा, वो पूरी तरीके से कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे ये पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको लगे आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ अपने चैनल जीएस लैंप एजुकेशन को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।